ये है दिल्ली दर्पण। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चुनाव 2019। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आपको पता ही है कि समाज समर्पित टीम घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं पीतमपुरा के बीडी ब्लॉक, जहां पर हम भिवानी की धर्मशाला में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ बहुत सारे ट्रस्टी मौजूद हैं जिनकी गाड़ी कमाई इस पूरे हॉस्पिटल में लगी है। तो उनसे जानते हैं कि किसको वो वोट देने वाले हैं, क्यों वोट देने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं लेकर आई हूँ इन ट्रस्टियों के पास और जानते हैं इन्हीं से इन्हीं की राय। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। अमित अग्रवाल। अमित जी, किसकी जीत आपको नजर आ रही है इस बार चुनाव में? विजेंदर जी की। क्या कारण लगता है? बस बदलाव जरूरी है। हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी आपको कमियां नजर आई हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो पूरी हो? है, काफी काम करना है। काफी काम करना है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं विकास बंसल हूँ जी। ओशंस क्लब हमारा एक क्लब है पीतमपुरा के अंदर, जिसमें हम समाज के सारे अच्छे काम करते हैं, अच्छी संस्थाओं से जुड़ते हैं और जो भी अच्छी संस्थाएं सोशल समाज के काम करते हैं, हम उनका हमेशा प्रोत्साहन करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पे। सर, इस बार इस चुनावों से आपको क्या उम्मीद लगती है? क्या इस बार बदलाव होगा या फिर पहले वाली टीम फिर से जीत कर आएगी? देखिए, टीम कोई भी जीते, समर्थन हमारे लोग उसी का करते हैं जिससे आशाएं होती हैं कि वो हॉस्पिटल का बदलाव करेंगे। नाम तो रख दिया है इंटरनेशनल, पर वो नर्सिंग होम से ज़्यादा अभी तक उसकी वैल्यू उस हॉस्पिटल की नहीं है। उसमें 20 से 50 पेशेंट डेली आ रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आपका लोकल नर्सिंग होम है। आप अपने बगल में जाओगे तो वहाँ 2 घंटे का रास्ता कवर करके या 1 घंटे का भी रास्ता कवर करके उस हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? वो तभी जाएगा जब उसमें इंटरनेशनल लेवल की आप सुविधाएँ दोगे और जायज़ रेट पर दोगे, तभी लोग अपने घर से जाते हैं। यहाँ ठीक है, ज़रूरतमंदों की भी ज़रूरतें हैं वहाँ, पर कोई लेवल होना चाहिए हॉस्पिटल का, तभी ही उसमें पेशेंट्स जाके खुश होंगे। समाज का 500 करोड़ का इसमें पैसा लगा है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं अश्वनी सिंगल सीए। सर, क्या मानते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें 3 टीम है, तो क्या ऐसा कारण है कि समाज समर्पित टीम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है? समाज समर्पित टीम के अंदर काफी कुछ ऐसे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो दूसरे भी कामों से, समाज की दूसरी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उनका वहाँ पे रिजल्ट देख के या उनका जो परफॉर्मेंस है वो देख के ही लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह का प्रलोभन दे रहे हैं या किसी तरह की कोई दूसरी बात है। ऐसा लगता है कि वाकई में इनके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत है टीम के अंदर, और 15 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़रूरत है भी है। और समाज समर्पित टीम के अंदर कुछ ऐसे ऐसे चेहरे जैसे विजेंद्र जिंदल जी, सीताराम गुप्ता जी, KL गर्ग जी, महावीर बंसल जी, अरुण जैन, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम 25-25, 30-30 साल से जानते हैं और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। समाज के दूसरे कामों में भी जुड़े हुए हैं लोग, तो इसीलिए समाज समर्पित टीम पर लोग भरोसा जता रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। बसंत गिद्रा। सर, क्या मानते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि 3 टीम होने के बावजूद, अगर घनश्याम गुप्ता की टीम है एक तरफ, सुरेंद्र एक तरफ, विजेंद्र जिंदल जी की टीम है एक तरफ, तीसरी टीम भी है, तो 3 टीम होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा भरोसा जो समाज समर्पित टीम पर हो रहा है, क्या कारण है ऐसा? क्योंकि इस टीम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वास्तव में काम करके दिखाया है जिसकी उम्मीद जनता चाहती है। तो वास्तव में जो काम जनता को चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो ये टीम अगर आ गई तो जनता को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। जो फैसिलिटी आप की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो आपको लगता हो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा तो है हॉस्पिटल, ये तो पक्की बात है, तो फैसिलिटी किस तरह की चाहते हैं? फैसिलिटी ऐसी चाहिए कि जो भी पेशेंट आए या लोग आए उनको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं हो। फर्स्ट तो ऐसा है कि लोगों को आते ही रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी दिक्कत ना आए, तो और बेड की जो ज़रूरत है सारी, और मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न फैसिलिटी की जो हम चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो ज़रूरत है। क्या मानते हैं समाज समर्पित टीम वो कर पाएगी? 100%। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। सुरेश बंसल है मेरा। सर, क्या लगता है, कितनी उम्मीदें आपको समाज समर्पित टीम से है? क्या लगता है कि जो कमियां अब तक हॉस्पिटल में रही हैं वो ये टीम पूरी कर पाएगी? बिल्कुल करेगी जी, ये टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। ओपीडी के अंदर हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि 500 से 300 से 400 लोग ओपीडी के अंदर रोजाना आ रहे हैं, लेकिन वास्तव की बात करें तो वहाँ पर आप जाएंगे तो खाली आपको नजर आएगा। क्या इसी तरह की हॉस्पिटल की उम्मीद की थी आपने?
मैडम वहाँ तो ये 500 उसका बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, वहाँ तो हॉस्पिटल मेरे ख्याल बेड ही सारे 20-30 होंगे। इसके लिए थोड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, लोगों ने इतना दान दिया है, उसका तो बिल्कुल मिसयूज हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा काम। तो अब ये जो हमारी ये टीम आएगी अच्छा काम करेगी, लोगों की पूरी पूरी उम्मीद है इस टीम पे। इंद्र सैन मित्तल। इंद्र सैन जी, 7 दिन तक जो उद्घाटन का समारोह चला था, क्या आपको लगता है कि वो 7 दिन का जो उद्घाटन समारोह था वो होना चाहिए? नहीं, उद्घाटन तो देखो जब तक जागरण नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, जागरण तो जरूरी है ना। तो क्या उद्घाटन का जो समय था वो 7 दिन का होना का, वो तो जो मतलब कार्यकर्ता जो उनका संजमाई कर दिया, उसमें क्या बता, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप जो पैसा उस वक्त 7 दिन के उद्घाटन में लगा, अगर वो हॉस्पिटल में लगता तो क्या आप ये नहीं मानते कि था तो अच्छा, जरूरत तो नहीं थी वैसे। तो अब क्या मानते हैं, अब समाज समर्पित टीम से क्या आपको उम्मीदें हैं? तेरी उम्मीदें जो करेंगे ठीक है, अपना इतना हिसाब था, हमने नहीं, हम तो विश्वास करने वाले आदमी हैं, जो भाई काम करेगा वही बढ़िया है, जो लोग काम करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस पूरे चुनाव प्रचार के बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे, इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर